20 नवंबर 2020 जुपिटर प्लैनेट ट्रांजिट हो रहा है मकर राशि में और ये रीडिंग हो रहा है मकर राशि के लिए कि ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट देने वाली है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा फर्स्ट कार्ड आया है कि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में है। तो सैटर्न एक स्ट्रिक्ट प्लैनेट है और जो हमें कठिनाइयां देते हैं, जो हमें मुसीबतें देते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं ताकि हम परेशान हों, वो इसलिए ताकि हम और स्ट्रांग बने। सो सैटर्न आपको इम्प्रूव करने आए हैं, सैटर्न आपको सुधारने आए हैं। वो एक स्ट्रिक्ट मास्टर के जैसे हैं, स्ट्रिक्ट टीचर के जैसे हैं। और यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं मकर राशि के लिए वो है फर्स्ट कि आपकी जो भी इमोशनल डिजायर्स हैं वो जरूर फुलफिल होंगे। आप कोई काम आपका रुका हुआ है इमोशनल, मनी से कनेक्टेड नहीं, वो आपका कंप्लीशन की तरफ आ रहा है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि चीजें आपको इजीली नहीं मिल रही हैं जैसे पहले मिलती थी। आपके बैंक बैलेंस के लिए टोटली नेगेटिव कार्ड है। पास्ट में आपका कुछ सेविंग्स नहीं हुआ है, पास्ट में आपके खर्चे बहुत हुए हैं और आपके जो भी सेविंग्स थे वो खर्च हो गए हैं, ये भी हो सकता है। प्लस आपको फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपने उनसे सपोर्ट नहीं लिया है। सो बेसिकली सैटर्न प्लैनेट आपको कुछ बनाने आते हैं, आपको इंडिपेंडेंट बनाने आते हैं। सो यहाँ पर आपको राइट टाइम के लिए वेट करना है और आपकी जो करेज थी वो आपके करियर की वजह से बढ़ी है या कुछ बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसकी वजह से आपका जो करेज है वो आपको साथ दे रहा है। आप अकेले हैं और फैमिली का आपको सपोर्ट नहीं है, घर का सपोर्ट नहीं है। पास्ट में ऐसे भी हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज आपने बाय किए उनका आपको पोजेशन नहीं मिल रहा है, कोई व्हीकल बाय करना था पर उसके लिए पैसे नहीं जमा हो रहे हैं। तो चीजें स्लो होंगी क्योंकि सैटर्न जो है वो स्लो प्लैनेट है। आपको एडवाइस दिया जाता है कि आपकी एनर्जी आप लर्निंग में स्पेंड करें, आप कुछ लर्न करें, आपके करियर से संबंधित चीजें आप लर्न कर सकते हैं, न्यू सर्टिफिकेशन कोर्सेस आप लर्न कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल कोर्सेस लर्न कर सकते हैं, ट्रेडिंग लर्न कर सकते हैं यहाँ पर। और आप आपके एनर्जीज को आप आपके रिलेशनशिप को दे सकते हैं। ऑपोजिट जेंडर से आपको बहुत फायदा होने वाला है, उनका आप सपोर्ट लें। बेसिकली साढ़े साथी लेडीज को, वुमेन को कम तंग करती है, तो आप वुमेन का सपोर्ट लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सिस्टर्स हो गए या फिर मदर, उनका सपोर्ट लेते हैं या फिर आप फ्रेंड का भी सपोर्ट ले सकते हैं। ये रिलेशनशिप का कार्ड था। और आपके जो स्ट्रेस है उनका सलूशन आपके पार्टनर के पास है। आप जितना टाइम अपने फैमिली को देते हैं, अगर आप मैरिड हैं अपने हस्बैंड को टाइम देते हैं, आप मेल हैं आपकी वाइफ को टाइम देते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा और इससे आपका इनडायरेक्टली इनकम बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के जो ड्रीम्स हैं वो ट्रू होंगे। तो आपको ऑपोजिट जेंडर का सपोर्ट लेना है और किसी न किसी का हेल्प लेना है बेसिकली, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो पॉजिटिव हो जाए, आपके कोर्ट केसेस जो है वो सॉल्व हो जाए, आपके डिजीजेस जो है वो भी क्योर होना स्टार्ट हो जाए, आपके एनिमीज भी आपसे दूर भाग जाए। नेक्स्ट है आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कि आप बहुत कंटेंटेड रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, बहुत पीसफुल लाइफ आपकी रहेगी अगर आप मैरिड हैं। तो आपका बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें भी आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे। आपको एडवाइस दिया जाता है कि आपके जो इनहेरिटेंस आपको मिलने वाली है, अगर आप थोड़ा भी इनसिक्योर हैं उसके लिए तो आपको लॉजिकली बात करना है, प्रैक्टिकली बात करना है, चीजों को पोस्टपोन नहीं करना है। जो आप कल करने वाले हैं वो आपको आज ही करना है और आपको वो मैटर्स को सॉल्व करना है। आप पास्ट के बारे में बहुत सोचकर अपना टाइम गंवा रहे हैं, आपको नया कुछ लर्न करना है, हायर एजुकेशन के लिए आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, जरूर जाएं। पास्ट के लिए ज्यादा रिपेंट नहीं करें, प्लस आप फादर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करें, पास्ट की चीजों को लेकर आपका रिलेशन फादर के साथ स्पॉइल नहीं करें। सैटर्न आपको ब्लेस करते हैं जब आप पेरेंट्स की सेवा करते हैं,
स्पेशली फादर की सेवा करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें और उन्हें रिलीजियस प्लेसेस पर भी लेकर जाएं। आपकी करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, बट उसके लिए भी माता की सेवा। सैटर्न की ये कंडीशन होती है कि जितना आप ओल्ड लोगों को सर्व करेंगे, ओल्ड लोगों की सेवा करेंगे, उतना आपको सैटर्न ब्लेस करते हैं। तो साढ़े साथी का एक यही सोल्यूशन है कि आप ओल्ड लोगों की, जो आपके नेबर्स हैं, उनकी सेवा करें और उनसे ब्लेसिंग्स लें। नेक्स्ट कार्ड है आपकी इनकम के लिए। आप सोचते बहुत है, आपको सोचना नहीं है, आपको काम करना है। पहले अगर आपको बैठे बैठे इनकम आती थी और आप वो इनकम को मिस कर रहे हैं, पास्ट को मिस कर रहे हैं, तो वो लक अभी आपके फेवर में नहीं है। अब सैटर्न आए हैं, सैटर्न आपसे हार्डवर्क करवाने आए हैं, तो आपको बहुत हार्डवर्क करना है। पहले मैं बैठकर कमाती थी या बैठकर कमाता था, वो सोचकर आपको प्रेजेंट को मिस नहीं करना है। आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, आपके एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में स्पेंड करेंगे और अपने एनर्जीज को बढ़ाने के लिए भी, स्पिरिचुअल एनर्जीज को बढ़ाने के लिए भी आप राइट डिसीजंस लेंगे। आपके खर्चों को आप कंट्रोल करेंगे और बेसिकली स्पिरिचुअल पावर्स अगर आपके साथ हैं तो ओवरऑल आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड रहेगी। सैटर्न को बहुत पसंद है अगर आप आइसोलेशन में रहते हैं और अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, उनकी तरफ अगर आप ध्यान देते हैं, लर्निंग की तरफ आप ध्यान देते हैं, तो सैटर्न आपको ब्लेस करते हैं। लेट्स सी आपके लिए एंजल कार्ड का क्या मैसेज है। तो यहाँ पर मैसेज है साइन फ्रॉम अबाव। नेचर आपको बार बार साइंस दिखाती है, जैसे अगर आप ये रीडिंग अभी सुन रहे हैं तो ये भी एक आपके लिए साइन है। तो आप इन साइंस को देखें, इन साइंस को समझें, इन साइंस को आप यूज करें, साइन निशानियों को इनको आप यूज करें ताकि आपकी लाइफ और पॉजिटिव हो जाए। और एक डिवाइन कार्ड मैसेज आपके लिए, यहाँ पर कार्ड आया है माता का, द बॉडी इज योर टेम्पल, कीप इट प्योर एंड क्लीन फॉर द सोल टू रिसाइड इन। हमेशा अपने शरीर को ऐसे ही सोचें कि वो भगवान का टेम्पल है, इसे जितना प्योर एंड क्लीन रख सकते हैं, आपकी आत्मा उसमें रह सके, उतना आपके लिए अच्छा है। साढ़े साथी में सैटर्न आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप बहुत ही शुद्ध रहें, बहुत ही प्योर रहें, आपके जो थॉट्स हैं वो भी प्योर रहें, आपका जो कंडक्ट है वो भी प्योर रहें, अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल रहें, तब आपको साढ़े साथी तंग नहीं करती है। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको पूरा दिन आपको जस्टिस से, न्याय से और अपने कॉन्साइंस से चलना है ताकि आपको रात को अच्छी नींद आ सके। तो कभी भी आपको ग्रीडी नहीं बनना है, कभी भी आपको टेम्पटेशंस में नहीं आना है, एडिक्शंस में नहीं आना है। साढ़े साथी में आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप इन सब नेगेटिव चीजों से दूर रहें और जितना आप प्योर और क्लीन रहेंगे, जैसे हमें माता का डिवाइन मैसेज मिला, जितना आप प्योर और क्लीन रहेंगे उतना साढ़े साथी आपको कम परेशान करती है। जैसे आपका एट प्रेजेंट राहु आपके थर्ड हाउस में, सॉरी सिक्स हाउस में है, तो वो आपको एडिक्शन की तरफ लेकर जा सकता है, सिगरेट और स्मोकिंग और ड्रग्स और दिस थिंग लिकर। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, रॉन्ग फ्रेंड्स का जो है आपको कंपनी छोड़ देना है और सिर्फ जो स्पिरिचुअल लोग हैं, सादगी वाले लोग हैं, प्यूरिटी वाले लोग हैं, उनके साथ आपको आपका कंपनी रखना है। सो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस रीडिंग एंड काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर